बहुत प्यारी लग रही। मम्मी वैसे आप हानिया को बुला ही लेती। कॉल की थी मैंने उसे। बात बिजी है। मैं वैसे सोच रही थी कि ये भी भला कैसी खुशी हुई अपनी शादी पे सिर्फ अपनी माँ को शरीक होते हुए देख रही हूँ। ऐसे लग रहे जैसे चोरों की तरह ही अपने घर में शादी करी हूँ। किसने कहा था अनवर के साथ फ्लैट में जाओ? बदला तो मिलेगा ना? आपको ही बचपन से देखते आ रही हूँ, जो भी सीखा है आपसे ही सीखा। मुझे इल्जाम देने की जरूरत नहीं है सालिया, मैंने कभी तुम्हें नहीं बरकरार। तुम्हारे अपने शौक थे और मेरे अपने। ये लिपस्टिक कैसी लग रही है? एक कोट और लगा लूं? ये शौक भी मैंने आपसे ही पाले। वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी बेटी। दिखाए? हाँ ठीक लग रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं बिल्कुल आप पर गई हूँ और हानिया बिल्कुल अब्बू पर। तुम्हारा बाप भी कम नहीं था अपनी जवानी में। शहजाद आ गया। अम्मी वो अगर मोहल्ले वालों ने शहजाद को दूल्हे के कपड़ों में देख लिया तो कोई मसला तो नहीं बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसे मना कर दिया था और काजी साहब को देख के मोहल्ले वाले समझेंगे कि तुम्हारे अब्बू की बरसी है। मैं देख के आती। सो हमें फैब्रिक डिजाइन करते हुए, स्पेशली विमेन फैब्रिक, तो हमें एक बात का ख्याल रखना होता है। आज के जो लोग हैं वो दो कश्तियों में सवार हैं, मॉडर्न वर्ल्ड और माजी। वो ना अपने माजी को भूलना चाहते हैं और ना फ्यूचर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड को भी फुली एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आप जो भी चाहें, जितना मर्जी चाहें, अपने पास्ट को नहीं भुला सकते। पास्ट रूप बदल बदल कर आपके सामने आता है। अगर आप देखें कि 20 साल पहले जो डिज़ाइन था उसका कोई ना कोई एलिमेंट आपको आज के फैशन में या फिर टेक्सटाइल, स्पेशली टेक्सटाइल डिज़ाइन में नज़र आएगा। आपकी जो दादी या अम्मी ने शादी पे जोड़ा पहना था उसका भी एलिमेंट आपको आज कहीं ना कहीं फैब्रिक्स में नज़र आएगा। जिसका मतलब है कि नॉस्टैल्जिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नॉस्टैल्जिया मेक्स यू फील लाइक कि आपका पास्ट इज़ कनेक्टेड टू योर फ्यूचर, और ये कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। अबू आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ। अबू आपने हानिया का प्रोग्रेशन देखा? ये उसका काम है, मुझे प्रोग्रेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आज हम जो यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं पास्ट की, हम यूज़ करेंगे पुराने डिज़ाइंस के डिज़ाइन एलिमेंट्स और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे आज के फैब्रिक में, कि हमें याद हो कि हमारे पास की जो कुछ यादें हैं वो आज तक जिंदा हैं।